हजारीबाग में शुक्रवार को विभिन्न छात्र संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में हजारीबाग रेलवे स्टेशन पर परिचालित मालगाड़ी को 2 घंटे तक रोककर रखा गया। विगत 10 मार्च से हजारीबाग सहित विभिन्न जिलों में 18 घंटे तक की बिजली कटौती की जा रही है, जिसके खिलाफ छात्र, नौजवान, युवाओं के बीच काफी आक्रोश है। साधारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। डीवीसी पैसे की बकाए की बात कर अपनी जिम्मेवारियों से मुकर रहा है और आम जनता परेशान हो रही है। संयुक्त मोर्चा ने कहा कि बिजली नहीं तो कोयले नहीं के नारे के साथ कोयले से लदी मालगाड़ी को 2 घंटे तक रोककर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि जल्द से जल्द नियमित रूप से बिजली बहाल की जाए और समस्या का समाधान किया जाए, अन्यथा संयुक्त छात्र मोर्चा आगामी समय में और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सांकेतिक हड़ताल था चक्का जाम रेस का, वो सांकेतिक जमा चक्का जाम में हम लोग मजिस्ट्रेट में थे, मजिस्ट्रेट ड्यूटी में कम सी कम जाए और थाना प्रभारी। क्या मांग रखी सर लोगों ने? सब कहा कि बिजली निर्बाध रूप से थी, यही सब डिमांड था और ये चक्का जाम सांकेतिक था। और कोई विज्ञप्ति वगैरह भी दिए हैं क्या? विज्ञप्ति नहीं दिए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10 मार्च से लगातार बिजली की भारी कटौती हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। लगभग पूरे 24 घंटे में 4 से 6 घंटा ही बिजली लोगों को मिल पा रही है। लगातार छात्रों की परीक्षाएं आ रही है, इससे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। जनजीवन की काफ़ी समस्याएं घरेलू महिलाओं को हो रही है, आम लोगों को हो रही है, जो भी वेबसाइट में है सारे के काम ठप है। इसे मुद्दे को लेकर के आज हमारे देश का, हमारे राज्य का कोयला दूसरी जगह जाता है, यहीं से बिजली उत्पादन होकर के दूसरी जगह जाता है, लेकिन हम ही बिजली से महरूम है। इसके खिलाफ आज रेल रोको आंदोलन किया गया था, यहाँ से कोयला नहीं जाएगा जब तक कि हम छात्रों को बिजली पूरी नहीं मिलेगी।